धनबाद पुलिस के हत्थे एक फर्जी एंटी करप्शन अधिकारी चढ़ा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शातिर पुलिस अधिकारी बनकर बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जालसाज की तलाश शुरू की और उसको धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1 लाख कैश, वॉकी टॉकी सहित गाड़ी बरामद हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि शातिर लोगों को अपने आप को एंटी करप्शन एंड क्राइम विभाग का अधिकारी बताया करता था। पासवान नामक एक व्यक्ति है जो उनकी संस्था एंटी क्राइम एंड एंटी करप्शन ब्यूरो में कार्यरत था और जो जिसको इन लोगों ने अपने संस्था से हटा दिया है और विगत कुछ महीनों से वो लोगों को इस संस्था से जुड़ने के नाम पर पैसे लेकर धोखे से नियुक्ति पत्र और इस तरह की प्रक्रियाएं कर रहा है, जिसकी जांच हम लोगों ने पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी पुटकी को सौंपी। वो और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों ने इसकी जांच की, जांच प्रारंभ की। जांच के क्रम में ही कल पुटकी में स्टेट बैंक के पास से एक गाड़ी पकड़ी गई, TUV 300 ब्लैक कलर की, जिसपे लिखा हुआ था अपराध खुफिया जासूस, जिसमें नंबर कोई भी नहीं था, गाड़ी पे कोई भी नंबर नहीं था और ये बोर्ड लगा हुआ था जिसमें नीला और लाल जो पुलिस का कलर होता है, पुलिस उस कलर का बोर्ड लगा के और इस पे ये लिखा हुआ था। उस गाड़ी को रोक कर जब उसमें जांच की गई, उसमें चेक किया गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, तो उस गाड़ी में पहले तो ये दो लोग मुकेश पासवान और इनका सहयोगी पंकज पासवान पाए गए। वहीं शातिर के पकड़े जाने के बाद युवाओं ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।